अब तक जो हमें वोटर आईडी कार्ड मिलता है ये देखने में काफी मामूली लगता है और इसमें कोई सिक्योरिटी फीचर भी नहीं है, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन की तरफ से वोटर आईडी कार्ड का न्यू डिजाइन रेडी किया जा रहा है जिसमें आपको आधार कार्ड की तरह ही काफी सारे नए सिक्योरिटी फीचर मिलेंगे। लेकिन अब इसके लिए आपको अपने वोटर आईडी कार्ड के साथ आधार कार्ड नंबर को लिंक करना होगा जिसका नया फॉर्म आ चुका है। सो इस वीडियो में मैं आपको वोटर आईडी कार्ड के साथ आधार नंबर लिंक करने का कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले प्ले स्टोर पे आना है, वहां सर्च के ऑप्शन में जाके वाटर हेल्पलाइन सर्च करके जो वाटर हेल्पलाइन की एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल कर लेना है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंस्टॉल करने के बाद आप एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आएगा जहां आपको नीचे की ओर आई एग्री के ऑप्शन पे टिक मार्क करना है, उसके बाद में नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करते ही एक नया इंटरफेस आपके सामने आएगा, उसमें कई सारी लैंग्वेजेस दी गई है, उसमें से कोई भी एक लैंग्वेज चूज करके आपको गेट स्टार्टेड के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस सामने आएगा, इसमें आप वाटर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। इसमें आपको सबसे नीचे एक नया फॉर्म मिल जाएगा, फॉर्म 6B, इस पर आप क्लिक करेंगे। लेट स्टार्ट पर क्लिक करेंगे, इसमें आप अपना मोबाइल नंबर डालकर सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आपके नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो ओटीपी यहाँ पर डालकर वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर आपको अपना वोटर आईडी कार्ड नंबर पता है तो इसको आप यस करेंगे, और अगर नहीं पता है तो आप इसको नो करेंगे और यहाँ पर फाइंड करेंगे। जो कि मुझे वोटर आईडी कार्ड नंबर पता है तो मैं पहला ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा, इसके बाद में नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। इसमें आप अपना वोटर आईडी कार्ड नंबर डालेंगे, अपना जो भी स्टेट है उसको सिलेक्ट करेंगे और फेच डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब आप नीचे देखोगे कि डेटाबेस में आपका रिकॉर्ड पाया गया है, अब प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आपके सामने कुछ इस तरीके का वोटर आईडी कार्ड की जो पूरी डिटेल है वो आ जाएगी। अब आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक, इसमें आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना है, यहाँ पर एक मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो है वो आपका डालना है, और यहाँ पर अपने प्लेस का नेम सिलेक्ट कर लेना है और डन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। डन के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपके सामने एप्लीकेशन का एक प्रीव्यू आ जाएगा, उसको आपको एक बार चेक कर लेना है, इसके बाद में कन्फर्म के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी और यहाँ पर आपको एक रेफरेंस नंबर जनरेट होगा, इसको आप कॉपी करके रख लीजिएगा, बाद में आप इससे अपना एप्लीकेशन स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर करिएगा। तो हम मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।